सा कॉम्पैक्ट कर लेते हैं सर, इनके अंदर की लाइनें चली गई थोड़ा सा। हाँ ये यादव जी लुक मिली अस ड्रेस देखी तूने पसंद के धीरे धीरे गया को लूट के आए तो मुझे कपड़े देते जा रहे हो, मैं फैशन शो की तरह पहन के निकलती जा रही हूँ। तो करण, अचानक से कहाँ से आइडिया है और कौन सी दुकान लूट ली आपने अपनी साक्षी के लिए? मुझे लगा साक्षी हमेशा कुछ ऐसे ड्रेस में नजर आती है जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल है, और वैसे तो आज के जमाने की लड़की है, तो लेट्स ट्राई कि उसे कुछ हैपनिंग कपड़े देके देखता हूँ तो और शायद उससे मेरे दिल का प्यार जल्दी बाहर आ जाए।
लेकिन इस प्यार में भी हम देख रहे हैं रोड़ा आ गया, मतलब प्यार सफल हो ही नहीं पाता आप लोग का कभी। मैं कभी आई लव यू टू बोल ही नहीं पाती, आई मिस यू टू बोल ही नहीं पाती। ये सुनने के लिए बेचारा करण हमेशा तरसता रहता है, वो आज भी ऐसा कुछ हो गया कि वो शायद एक्सपेक्ट कर रहा था कि साक्षी बोल दे, बट ये बात समझ आई कि उस दिन तो इतना कुछ हो गया, बट फिर यहाँ दोबारा से उस दिन किस होने के बावजूद अभी बट अब तक आई लव यू नहीं बोला ना, वो तो कुछ हो गया, अजीब सा हो गया, समझ भी नहीं आया। ब्रेकअप पार्टी थी वो, तो ब्रेकअप का कुछ था, बट अभी तक इसने आई लव यू नहीं बोला, तो फर्स्ट टाइम वो आई लव यू बोलने वाला है, और वो कैसे बोलेगा उसके लिए बहुत कुछ सोचा उसने, समझ नहीं आ रहा था, फिर समथिंग कुछ उसने ट्राई किया है, और लेट्स सी शायद साक्षी को पसंद आए। क्रिस्टल आपसे जानना चाहेंगे, तीनों लुक में आपको सबसे अच्छा लुक अपना कौन सा लगा? मुझे ये सबसे बेस्ट लगा क्योंकि इसमें मैं सबसे ज्यादा ढकी हुई हूँ। सच में साड़ी में सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल थी मैं। साड़ी इज सपोज टू बी समथिंग जो औरतें पहनती अपने आप को कवर करने के लिए, लेकिन ये साड़ी बिल्कुल ऐसे नहीं थी और मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था, तो कट होते ही मैं साड़ी का पल्लू ऊपर लेती थी, बट इट इज वेरी एम्बैरेसिंग टू शूट लाइक दिस, समटाइम्स रोमांटिक सीन के लिए यू गॉट टू डू। अच्छा करण, आपको क्रिस्टल कौन से लुक में सबसे अच्छी लगी? क्रिस्टल तो किसी भी लुक में नहीं, एक कोई डोंट बी डिप्लोमेटिक, ओके की बात बोल रहे हैं। आई थिंक शी इज लुकिंग नाइस इन दिस वन, एक्चुअली आई फील शी मुझे ज्यादा प्रीटी इसमें लग रही है। कितना प्यार दोनों के बीच हो गया है इस सब चीजों होने के बाद? प्यार तो बहुत हो गया है, देख नहीं रहे आप कितना प्यार बढ़ चुका है। कितना प्यार, बहुत प्यार हो गया, मगर अब तक वो इस तरफ से नहीं हो पाया, तो जब इस तरफ से हो जाएगा देन इट विल बी डन। साक्षी की तरफ से भी कुछ है कि नहीं अभी? साक्षी बहुत शाय फील करती है, तो पता नहीं बोल पाएगी या नहीं बोल पाएगी, कपड़े जरूर ढंग के नहीं पहन पाएगी लेकिन बोल नहीं पाएगी। आपने इतनी बार साक्षी को प्रपोज करने के लिए हर बार कोई ना कोई नई 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 चीजें आपने की, साक्षी आप कभी कुछ करेंगी करण के लिए ऐसा? किसी आई होप कि साक्षी में भी थोड़ी सी हिम्मत आए, वो आई लव यू भी बोल पाए, वो मिस यू भी बोल पाए, वो सब कुछ बोल पाए, और आई होप कि वो भी करण के लिए कुछ स्पेशल कर पाए। एक बार करण आप यहाँ हमारे कैमरे पे भी आई लव यू बोल। ओके कैमरे पे मतलब कैमरे के लिए, इनके लिए जिसके लिए आपका मन हो। ओके साक्षी आई लव यू, शॉर्ट के लिए बुला लिया, थैंक यू सो मच। यहाँ भी नहीं हो पाया, देखा आई लव यू भी नहीं हो पाया, नेक्स्ट टाइम।
दिया ने भी आपको देखा, वो भी खड़ी होगी, इधर घूम के आ गई वो। अच्छा तो चीटिंग हो रही थी। अब आप दोनों को आधा घंटा ऐसे ही खड़े रहना है। अरे वो तो जाना चाहेंगे, मतलब टीवी इंडस्ट्री में आज तक हमने ऐसा कभी नहीं देखा है कि मतलब एक बहू अपनी सास को पनिशमेंट देके चली जाए, क्या था सीन? यही तो बात है, कुछ अलग होना चाहिए हटके। और क्योंकि मैं अपनी बहू को अपनी गुरु मानती हूँ और वो मुझे पढ़ाती है और मुझे शिक्षा की तरफ मुझे पूरा इनकरेज करती हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि तू मेरी बहू नहीं, मेरी गुरु है। और तो जब शिष्य गलत बात करे तो गुरु उसे पनिशमेंट तो दंड तो देते ही हैं, तो इसीलिए उन्होंने मुझे, और मैंने वॉलंटरी अपना कान पकड़ा और उन्होंने बोला हाँ मैं आपको दोनों को, मतलब उनकी नीस और मैं मेरी ग्रैंड डॉटर दोनों को देते हैं। तो आई थिंक एक बड़ा क्यूट सा सीन है कि पहले तो नानी को नचाती है और फिर बोलती है चलो ये होमवर्क किसको अच्छा लगता है करना, कोई बच्चा पसंद नहीं करता होमवर्क। स्कूल में पढ़ लें वही बहुत बड़ी बात होती है, उसके बाद घर आके फिर से पढ़ाई करो, ये तो थोड़ी ज्यादती होती है ना, पर क्या करें लाइफ में सब चीज़ फेयर नहीं है तो करने पड़ता है। अच्छा एक और चीज़ जानना चाहेंगे, मतलब क्या पनिशमेंट क्यों मिली है, मतलब ऐसा क्या कर दिया है शारदा ने? शारदा ने और दिया ने दोनों ने मिलके थोड़ी सी मस्ती की है। उन्होंने कहा होमवर्क बड़ा बोरिंग है, होमवर्क नहीं करना हमें, तो क्योंकि होमवर्क नहीं कर रहे हैं और होमवर्क के टाइम पे और मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो इसीलिए पनिशमेंट मिल गई। क्या पनिशमेंट मिली है तो बताइए। हाँ मतलब आधा मुर्गा बनाया, कान तो पकड़वाया बस, खाली ऐसे बिठाया नहीं। पर पहले सीन में तो था कि वो एक रूलर लेके भी आती है ऐसे, पर वो तो निकाल दिया उन्होंने कि वो रूलर नहीं रखेंगे। बट प्यार से डांटती है और हर सब चीज़, वो थोड़ा टंग इन चीक है कि वो डरा रही है और डांट रही है, पर दिल में उसके बहुत प्यार है। और द मोमेंट उनको लगता है कि दादी आके मुझे डांट देती है तो उसको बहुत बुरा लगता है, तो इमीडिएटली बोलती है नहीं 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 मैं तो, मेरा कसूर है, सॉरी। तो वो चाहती नहीं कि मुझे डांट पड़े, और जब मेरी सास आके डांटती है तो उसको बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से मुझे डांट पड़ रही है। मैं एक्चुअली माँ को पनिशमेंट नहीं देना चाहती थी, मैं तो दिया को पनिशमेंट देना चाहती थी क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया, लेकिन दिया ने माँ की कंप्लेन की और बताया कि माँ ने भी होमवर्क नहीं किया, तो एक बच्चे को अगर सजा मिल रही है तो दोनों बच्चों को मिलनी चाहिए। अच्छा अगर मान लीजिए ऐसी गलती और होती है तो क्या क्या, मतलब क्या क्या पनिशमेंट देना चाहेगी साक्षी एज अ गुरु? मैं पनिशमेंट देना नहीं चाहूँगी, मैं इतनी सख्त गुरु नहीं बनना चाहती, लेकिन अगर होमवर्क ना किया जाए तो शायद क्लास से बाहर आजकल फेंकना इज सज़ा नहीं मज़ा, तो मैं उन्हें बोलूँगी कि आप दो दो बार क्लास जाएंगे। अच्छा यहाँ पे तो बड़ी सासू माई भारी पड़ गई आप पर, उन्होंने आपको भी उल्टा चिल्ला दिया? अब क्या करें, जब सास बहू में समझ में नहीं आ रहा कि कौन सास है कौन बहू है, तो बड़ी सास ही आके सब प्रॉब्लम सुलझा देती है। माँ ने व्रत रखा हुआ है और मैं उनसे ये सब सजा करवा रही हूँ, तो दादी थोड़ी सी भड़क गई। यानी साक्षी की आज क्लास लग गई है? हाँ मतलब क्लास लेते लेते लग गई क्लास। तो क्या कहेंगे, मतलब अब कैसे पूरी घर की जितनी गड़बड़ी हुई है उसको सॉर्ट आउट करेगी साक्षी? देखो साक्षी का एक ये है कि मैं रोज़ गड़बड़ करती हूँ लेकिन रोज़ सॉर्ट आउट भी करती हूँ, तो इट्स अ डेली रूटीन। अब गड़बड़ कर लिया तो सॉर्ट आउट भी कर ही लूँगी। थैंक यू। थैंक यू।
एक और लेते हैं, हाँ वन मोर। ओके अभी सेकंड, अभी बोलें एक्शन। ओ नानी करते हैं ना, बहुत मजा आएगा, प्लीज नानी बाल ठीक करो। मैंने नए नए बोलो, मैंने नए नए स्टेप सीखे हैं। मैं डांस के नए नए स्टेप सीखे नानी। एक मिनट भाई बेटा, पहले बोल तो ले, फिर निकल ना मेरे बच्चे। हां नानी सर पे तो ले एक्शन। मैंने डांस के नए नए स्टेप सीखे नानी। एक मिनट भाई बोलो नानी को। हो नानी अभी करो। नहीं नहीं मुझे नहीं आता ये सब। ओ नानी करो ना। नहीं नहीं सब सिलाओ। ओ फो नानी करो ना। आओ ना नानी बोलो। ओ फो नानी आओ ना। नहीं नहीं नानी को खींच लिया, नानी भी खड़ी हो गई, काम कर रही है। हाँ लोग फिट करो।